देखो पिताजी ने बताया है कि श्याम सुंदर का कीर्तन करने से उनकी सहज में ही प्राप्ति हो जाती है। हाँ, तो माँ आप मेरे साथ में कीर्तन करिए, आपको भी श्याम सुंदर की प्राप्ति होगी, अवश्य हो जाएगी यदि ये कीर्तन करेंगे। आपकी भी आप बोलिए मत, मैं उससे बात कर रही हूँ, आप क्यों बोल रहे हैं? अच्छा, समझ में नहीं आता है। और माँ पिताजी ने बताया कीर्तन करने से मन वाणी दोनों ही पवित्र हो जाते हैं। हाँ, ये लेंगे तो इनकी भी वाणी पवित्र हो जाएगी। ये कीर्तन क्या बीमारी है पिताजी से पूछिए। हाँ जी, हाँ आप बोलिए। कही जब से बहुत चबर चबर कर रहे थे आप, हम आपके आगे क्या? ये क्या सिखाया है आपने मेरी बेटी के लिए? अरे हमारी बेटी भगवान की कथा श्रवण करती है, ये भगवान का कीर्तन करती है, प्रभु का नाम पुकारती है। और जिस घर में भगवान की कथा होती है ना, बच्चे भगवान का नाम पुकारते हैं, भगवान की कथा श्रवण करते हैं, वह घर स्वर्ग के समान रहता है। पर तुमने देवी इस घर को नरक बना रखा है। अच्छा, मैंने नरक बना रखा है? हर समय कलेश करती रहती हो। अरे हमारी बेटी भगवान का नाम पुकार रही है, तुमको भी उसके साथ में भगवान का नाम पुकारना चाहिए। क्या तुम कलेश लेके? मैंने केवल इतना पूछा था आपसे कि मेरी बेटी को आपने क्या सिखाया है? बाहर देना शुरू कर दिया। सुनिए, ये उल्टी सीधी बातें आप मेरी बेटी को मत सिखाया करिए। घर का काम सीखना है, यदि आप मेरी बेटी को उल्टी सीधी बातें सिखाएंगे तो मेरा आपका यही महाभारत हो जाएगा। यदि ऐसा है, महाभारत करने की आवश्यकता नहीं, यहाँ भगवान की भागवत होती है। अरे उसे पराए घर जाना है, ससुराल जाना है, कुछ घर का काम सीखना चाहिए। क्या कीर्तन सिखा दिया? बेटी ऐसा है, तुम्हारी माँ जो कह रही है सत्य कह रही है, तुम्हें पराए घर जाना है तो तुम अपनी माँ के साथ में रह करके कुछ घर का भी काम देखा करो, तुम माँ के साथ करा लिया करो। मैं कोई काम नहीं देखूंगी और मैं कहीं नहीं जाऊंगी। भगवान का कीर्तन सुनी है कृष्ण की जब, हाँ सुनी है कृष्ण
वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन नहीं, ससुराल जाना है, लेने वाले आए हुए। चल मैं नहीं जाऊंगी माँ, कहीं नहीं जाऊंगी। अरे बालिका को भी पागल कर दिया पंडित जी ने। पंडित जो बेचारा कभी कथा नहीं सुनी थी, जैसे केवल श्री कृष्ण नाम सुन लिया, उनके श्रृंगार का वर्णन सुन लिया, उसके मन में भी उनके दर्शन की लालसा जागृत हो गई। अब उस पंडित से मिला जाए और उसका नाम पूछा जाए, उसके गांव का नाम पूछा जाए, कहां रहता है, क्या करता है, अब पता लगाना चाहिए। पंडित जी, श्रीमद् भागवत का एक वाक्य बड़ा मार्मिक है, तस्मात् केनापि उपायेन मनः कृष्णे निवेशयेत्। कैसे भी किसी प्रकार से, किसी युक्ति से, किसी कथा से, किसी बात से कृष्ण में मन लग जाए, कल्याण है। अब कैसे आना हुआ है भगत जी आपका? पंडित जी हम अच्छी कथा सुनाई आपने, बड़ी अच्छी कथा सुनाई आपने। भगवान की कथा तो अच्छी होती है, सुंदर होती नहीं है। वो भगवान की कथा नहीं, वो सोने वाली जो कथा कह रहे थे, हाँ। वो तो बड़ी अच्छी लग रही थी हमें। भगवान की ही कथा थी। अच्छा, परंतु एक बात बताएं आप। पूछो। इतने सारे सोने को, इन आभूषणों को जो पहनता है वो कोई बहुत बड़ा आदमी होगा? बहुत बड़ा आदमी नहीं है, छोटे से हैं। छोटे 7 वर्ष के कन्हैया हैं। 7 वर्ष का छोटे से गोपाल बालक है कोई? हाँ, छोटे से है ना। 7 वर्ष का कितने बड़े होते हैं? हाँ, बालक ही है बस। तो फिर वो क्या करता है? वो कुछ नहीं करते, वन में गैया चराते। वन में गऊ चराता है? और क्या, उसके साथ में उसके साथ ही और भी? कोई नहीं, अकेले। अकेला? अकेले गऊ चराते। अभी तक उसे गोवर्धन नहीं मिला है। अच्छा पंडित जी, हाँ एक बात और बताएंगे? पूछो। उसका नाम क्या है? नाम कुछ नहीं है। कुछ भी नाम नहीं? नाम उनका कुछ नहीं, और अगणित नाम है। नाम से रूप से तीत लीला धाम है। बोध को कोई अवनीश कहता है उन्हें, ब्रह्म ईश्वर और जगदीश कहता है उन्हें। तो उन्हें उनके नाम पूछे हैं, चलो उनके नाम श्रवण कर। नाम ये श्रवण कर, नाम ये श्रवण कर। बाल केन रस मगन भए, सब मानद सिंधु करोए। यशोदानंदन दामोदर नवनीत बियादर को, तीन जोड़ चित जोड़ टिकनिया चाचा। राधा चंद चकोर साम, गोकुल चंद चंदान, तीन वृंदावन चंद प्रेम राधा राम राधा वल्लभ राधा वल्लभ रास बिहारी रंग बिहारी कुंज बिहारी विपिन बिहारी पंच बिहारी अखंड बिहारी भूषण गज मोहन गोविंद गज नायक गज रजनागर गज
उसकी दर्शन नज संबंधी नाम है वाई ब्रज की नीला गावे नागन जासे मुरली वारो नागरी दासे मुरली वारो ब्रज को भागो। ये उनके नाम हैं। सुनो पंडित जी, हमने तो एक नाम पूछा था आपसे और आपने तो यहाँ नामों का हाट खोल दिया। एक नाम बताओ और ऐसा नाम बताओ हमें जो हमें याद हो जाए। एक नाम, एक नाम तुम्हें याद हो जाए। हाँ। श्याम सुंदर। श्याम समंदर। श्याम समंदर नहीं तो श्याम सुंदर। श्याम कलंदर। अरे कलंदर तुम हो, तुम उनको क्यों कलंदर बड़े आप छोटे। अरे फिर वही बात, हम नाम लेवा रहे हैं तुम कलंदर बन रहे हो। श्याम सुंदर समझाओ ना हमें। बता रहे हैं ना श्याम समंदर। ओहो समंदर नहीं तो एक एक करके अक्षर। अच्छा हाँ, एक एक शब्द बोलो। एक एक शब्द। श्या श्या म म सुन 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 द द र र श्या म सुन सुन द र श्याम। पंडित जी क्या ये भी बहुत बड़ा नाम है, अब भी नहीं आया, इसे काट दो। अरे छोटा कर दो इसमें से। नाम छोटा नहीं होता है। अरे पंडित लोग ही तो नाम रखते हैं। हाँ रखते हैं तो फिर उसे छोटा भी आप ही कर देंगे। दक्षिणा दूंगा बहुत सारा। अच्छा ऐसा है, उनका नाम पीछे छोटा करेंगे हम। अच्छा पहले हम तुम्हारा कर देते हैं, तुम्हारा करके फिर उनका नाम छोटा। हाँ, हमारा नाम छोटा कर दो है ना। हाँ अच्छा तुम्हारा नाम रख देंगे फिर छोटा करके। हाँ ठीक है ना, वही रहेगा। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम है गोवर्धन। हाँ बड़ा सुंदर नाम है तुम्हारा गोवर्धन। हाँ तो गोवर्धन में से हम धन को हटा देते हैं। हाँ ठीक है हटा दो, धन नहीं है तुम्हारे उस गोवर्धन में। हाँ तो धन को हटा करके अब हमने तुम्हारा नाम रख दिया गोबर। अरे छी 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 छी, ये भी कोई नाम है पंडित जी? मेरे नाम को छोटा क्यों कर रहे हैं आप? क्यों आपका नाम गोबर है? नहीं 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 नहीं, क्यों मेरा तो पूरा ही नाम रहने दो। तो उनका भी नाम पूरा रहने दो। अच्छा चलो ठीक है मान लेते हैं आपकी इस बात को। बोलो श्याम श्याम सुंदर। आया ना? आ गया। वो कुछ खाता भी है? भूखे थोड़ी रहते हैं, खाएंगे। क्या खाता है, क्या प्रिय लगता है उसे खाने? माखन मिश्री। माखन और मिश्री? छप्पन भोग भी ले जाओगे ना, उसे भी नहीं खाएंगे? छप्पन भोग जाए नहीं भावे माखन मिश्री को छप्पन भोग भी उनके लिए ले जाओगे तो उनको अच्छा नहीं लगेगा, रुचि नहीं आएंगे उनको। और माखन मिश्री उनको खिला दोगे तो माखन मिश्री पे ही प्रसन्न हो जाएंगे। अच्छा और माखन मिश्री खिला करके जो तुम उनसे प्राप्त करना चाहोगे मांगोगे ना तो वो प्रसन्न होकर के वही दे देंगे तुम्हें। अच्छा ठीक है पंडित जी, कष्ट के लिए क्षमा चाहता हूँ, पाए लागू आप। अब पता पूछ लिया है। श्याम सुंदर मैं आ रहा हूँ तुझसे मिलने के लिए नहीं, तुझे लूटने के लिए आ रहा हूँ। और मेरा ये वृंदावन को चलता हूँ वृंदावन को मैं जो वृंदावन को जाऊंगी तो वृंदावन को जाऊं मैं तो वृंदावन को जाऊं वृंदावन में नंद को लाला श्याम सुंदर जा को नाम वृंदावन में नंद को लाला श्याम सुंदर जा को नाम करूं करम सी जय के वाकी जो मेरे खिलो पाऊं मैं तो वृंदावन
लेकर के छोड़ी है, लेने वाले आ गए हैं। कर्मती ने देखा माँ निद्रा आ गई है, वो भी उठ करके चल गई। अभी श्याम सुंदर मेरे स्वप्न में आए, मुझसे कहने लगे कर्मती तो वृंदावन आ जा। श्याम सुंदर मैं आपके सहारे कर वृंदावन आ रही हूँ, आप मेरी रक्षा करना। माँ पिताजी आप मुझे क्षमा करना, माँ मैं आपकी बात नहीं मान सकी, मैं श्रीधाम वृंदावन जा रही हूँ। सबलिया तेरे लिए मैंने योगिन भेष बनाया, ओ कन्हैया तेरे लिए मैंने योगिन को वेश बनाया, तेरे लिए मैंने सब जग छोड़ा, तेरे लिए मैंने सब जग छोड़ा, मन सम जग से ना तोड़ा, जग से ना तोड़ा, रात में उठ कर के लाली चली गई, पता ही नहीं। सवेरे मैया जागी, देखा तो बेटी नहीं है, कर्मती कहाँ गई। लुट गई, क्या हो गया? अरे मैंने आपसे पहले बात क्या हो गई दिन? अरे मैंने कहा ना दिन देखती हो ना रात देखती हो, प्रातः काल हुआ तुम्हारा ये रोना प्रारंभ हुआ। क्या देखूं, आकले का नाक ही कटा दी। नाक कैसे कट गई, दिखा ना। अरे क्या देखोगे, मेरी बेटी कर्मेती घर में नहीं है। अरे कहां गई? ये बात है, बेटी कर्मेती घर नहीं है, ऐसा है ससुराल जाना है उसे, किसी सहेली से मिलने के लिए गई होगी, आ जाएगी। तुम क्यों रोती हो? मैंने सब जगह देख लिया पंडित जी, मैं लुट गई, मैं लुट गई। अरे कुछ करो, सब जगह देख रही। ठीक है, हम ढूंढ के लाते हैं। बैठो, कहाँ ढूंढ के ला, जल्दी लाइए। कहने कहा था मत सुनाइए, ये तीर अंतर की अंतर सुना सुना करके आपने मेरी बेटी को बच्चे भगा दिया। अरे जा रहे हैं, जा रहे हैं, जाइए। बेटी कर्मेती घर छोड़ के चली गई है, कहाँ गई होगी? हो ना हो वह वृंदावन गई होगी। कह रही थी श्री कृष्ण के प्रति मेरा प्रेम हो सकता है, उस प्रेम को प्राप्त करने के लिए पुत्री वृंदावन चली गई है। कहाँ ढूंढे, घुड़सवारों को भेजे महाराज से कहें वही हमारी सहायता इस समय कर सकते हैं, और कोई इस समय सहायता करने वाला दिख भी नहीं रहा। महाराज मेरी पुत्री कर्मेती घर छोड़कर के चली गई है, उसके ससुराल से यह लेने वाले आए हुए हैं, ससुराल जाना है उसे। आप अपने घुड़सवारों को भेज करके मेरी पुत्री कर्मेती को ढूंढवा करके मंगवा दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी। महाराज मेरे ऊपर कृपा करें, मैं आपकी शरण में आया हूँ। महाराज
पंडित जी हम आपको प्रणाम करते हैं, आपको धैर्य धारण करें, हम आपकी पुत्री को अवश्य ढूंढ करके लाएंगे। अरे क्या हो, बड़ी कृपा होगी आपकी। इसी महाराज ने हमको आदेश दिया, महाराज का आदेश है कि पुत्री को ढूंढ करके लाना है। चलो भाई, अरे कर्मे ती भाई वृंदावन की ओर चलते। की आवाज मैं जान गई, मेरे पिताजी अवश्य जयपुर नरेश के समीप में गए होंगे। ये उन्हीं के घोड़ सवार मुझे ढूंढने के लिए आ रहे हैं। क्या ये मुझको लौटा के ले जाएंगे? यदि आज करमती इनके साथ तू लौट करके चली गई तो तू पुनः संसार चक्र में फंस जाएगी, फिर तुझे श्याम सुंदर की प्राप्ति नहीं होगी। किंतु इस समय अपने प्राणों की रक्षा कैसे करूं, कहां जाकर के छिपूं? करमती भाई कहाँ हो तुम? करमती भाई कुछ मरे हुए हैं, ये तो कोई मरा हुआ ऊंट पड़ा है, हड्डी हफ्ती है, क्यों नहीं करमती? और भी कुछ समय इस मरे हुए ऊंट में ही जाकर के छिप जाती हूँ। जब ये घुड़सवार चले जाएंगे तब बाहर करमती भाई यदि आज इस दुर्गंधी है, कहाँ हो तुम? बड़ी दुर्गंधी आ रही है, यदि करमती आज इस दुर्गंध को सहन करती तो सदा सदा के लिए संसार की दुर्गंध से बच जाएगी और तुझे श्याम सुंदर की प्राप्ति हो जाएगी। चलती हूँ इसी में। करमती भाई हमें तुम्हारे पिताजी ने भेजा है, तुम यहाँ कहीं भी हो हमें मिल जाओ, हम महाराज के सेवक हैं, हम तुम्हें ढूंढ रहे हैं। करमती भाई हमें तो कहीं भी नहीं मिली, ये दुर्गंध कहां से आ रही है? ओफ, बहुत बुरी दुर्गंध आ रही है। अरे ये ऊंट में आ रही है, ऊंट पड़ा तो है मरा हुआ। ओफ बहुत दुर्गंध है, चलो यहां से चलो। से आ रही है, चलो। चलते हो श्याम सुंदर, बड़ी कृपा की आपने इन घोड़सवारों से मुझे बचा लिया। चलती हूँ अब आगे। मारवाड़ी का आवाज आती थी, वो बच्ची वृंदावन की ओर तेरे पांव पड़ी है, वहां तो वो बड़ा छड़िया है, बहुतों को ठग लिया उसने, क्यों जा रहा है? चल बन में अकेली ये लड़की भय नहीं लग रहा है इसे? कहां की है बेटी, कहां से आई हो? जय श्री कृष्ण। ये क्या होता है? प्रणाम। अच्छा प्रणाम कर रही हो यहाँ अकेली? मुझे नहीं जानते हो? नहीं तो हम तो नहीं जानते हैं, किंतु मैं आपको भली प्रकार से जानते हूँ। मुझ में? हाँ, आप हमारे पिताजी के समीप में कथा सुनने के लिए आते थे, मैं परशुराम पंडित जी की पुत्री हूँ। अच्छा अच्छा, तो बेटी हाँ, तू घर छोड़ करके और इस वन में अकेली यहाँ किस लिए आ गई हो? मैं श्रीधाम वृंदावन जा रही हूँ। श्रीधाम वृंदावन तू भी जा रहा है, किसके पास जा रही हो बेटी? मैं श्याम सुंदर का दर्शन करने के लिए जा रही हूँ। वही हम जा रहे हैं। अच्छा वृंदावन तो मैं भी जा रहा हूँ। अरे वाह, आप भी वृंदावन जा रहे हैं? हाँ हाँ। आप किस लिए जा रहे हैं? तुम श्याम सुंदर का दर्शन करने के लिए। और मैं श्याम सुंदर का दर्शन करने जा रहा हूँ।
ये पर्सन क्या होता है? यह हमारी गूढ़ा की गूढ़ भाषा है, तुम नहीं समझ पाओगी। चलो अच्छा तुम जा रही हो वहाँ? हाँ मैं जा रही हूँ। ठीक है, निश्चिंत होके जाओ, पर याद रखना डरने की बात नहीं है। नहीं डरने की बात नहीं, डर रहे ना। और यदि कोई चोर लुटेरा डकैत यदि मिल भी जाए तो कह देना पीछे से गोवर्धन आ रहा है। अच्छा, कोई आंख उठा के नहीं देखेगा। पीछे नहीं, आप मेरे साथ ही चलिए। साथ ही? मैं हृदय में विचार कर रही थी कि मेरे मुख से एक बार श्याम सुंदर का नाम निकलता है, अब हम एक से दो हो गए हैं, अब दो बार हमारे मुख से श्याम सुंदर का नाम निकलेगा। आप मेरे साथ में कीर्तन करते हुए चलिए। कीर्तन? हाँ। ये कीर्तन क्या होता है? मैं बताती हूँ क्या होता है। अच्छा, इससे ही तो सहज में ही प्राप्ति होती है श्याम सुंदर। श्याम सुंदर मिल जाएगा? हाँ मिल जाएंगे। अच्छा तो क्या होता है बताओ। कृष्ण है चालाक है ये लड़की। तो मुझे तो लड़की रंतन में लगा गई और आप मुझसे पहले भी श्रीधाम वृंदावन के लिए जा रही है। ठीक, मैं तुझसे पहले पहुंचूंगा इसके कीरंतन में, तो मैं उसका नाम भी भूल जाऊंगा। हाँ आ गया यार, श्याम सुंदर, 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 श्याम सुंदर। जा रहे हैं दोनों ही एक स्थान पर, एक ही मिलने से भावना पृथक पृथक है उनकी। श्री कृष्ण मिलन की भावना है, उनकी तीव्र गति होती है। जो संसार की ओर भागते हैं उनकी गति मंद हो जाती है। बेचारी पहुंच गई वृंदावन में, रज को प्रणाम किया, यमुना के तट पर बताया था कहीं कन्हैया कहीं कदम के नीचे बैठा होगा, गवों के बीच में हुआ, ग्वाल वालों के बीच में हुआ, जैसा वर्णन किया था सब बातें उनके मन में हैं, पंत कहीं दृष्टिपथ में आए ही नहीं। श्याम सुंदर, आप मुझे दर्शन क्यों नहीं दे रहे हो? मैं एक एक कुंज में, एक एक गली में तुमको ढूंढ करके आई, तो तुम्हारा दर्शन मुझे कहीं नहीं हुआ। आप इतने निष्ठुर क्यों हो रहे हो? मुझे दर्शन क्यों नहीं देते हो? श्याम सुंदर, आप मुझे दर्शन दो। बेदर्दी तो दर्द नहीं आवे, चितवन में चित
प्रकट यमुना के धाय गिरी मुरझार देखो कान श्रवण परी धुनि जब आहा देखो या कर मैं तीने तीन दिन से भोजन नहीं करो है। मैं चलू या को भोजन कराए के आऊं। तेरी चलने में देरी है, मेरे मिलने में नहीं देरी है। तू एक कदम जब चलता है मैं लाख कदम जब चलता हूँ। जब तू दो हाथ बढ़ाता है मैं हाथ हजार बढ़ाता हूँ। तू चीटी की चाल से चलता है मैं गरुण से आगे उड़ता हूँ। जब तू दो आँख मिलाता है मैं आँख हजार मिलाता हूँ। तो जब तू दो आंसू गिराता है मैं प्रेम की धार बहाता हूँ। तू पड़ा जमीन पे रोता है मैं उठा गले से लगाता हूँ। बोल भक्त वत्सल भगवान मैं चलूँ या को भोजन कराए के आऊँ। प्रेम के आंसू रज में एक आंसू गिर जाए करोड़ों करोड़ों वंदा श्याम का फल ठाकुर के हाथ में थाली है मूर्छित पड़ी है परमेती तू भोजन कर ले। मेरे समीप में आए मुझसे कहने लगे करमेंटी तू भोजन कर ले। श्याम सुंदर
कान तो ही देर मानी रे कहाँ देर मानी तेरे ही में सब जग करमेती, मैं तेरी सेवा ते बहुत प्रसन्न हूँ। तुम होते वरदान मांग ले। श्याम सुंदर, मैं आज आपसे जो वरदान मांगूंगी आप मुझे अवश्य वही दोगे। श्याम सुंदर, मैं आपके चरणों की भक्ति चाहती हूँ, आप मुझे अपने चरणों की भक्ति प्रदान कर दें और श्री धाम वृंदावन का निवास दे दें। करमेती, तो को श्री धाम वृंदावन को निवास हूँ मिलेगो, मेरी भक्ति हूँ मिलेगी और संतन की सीत प्रसादी हूँ मिलेगी। अब तू यहीं पे रह वंशी वट पे। ठीक है श्याम सुंदर। आज भी वंशी वट के निकट करमेती जी की समाधि बनी, उपेक्षित पड़ी थी, अब कुछ लोगों का ध्यान जान गया है, ब्रह्म गुण के पास में समाधि बना दी गई है। करमेती को भगवत दर्शन का लाभ हो गया। अब रह गया बेचारा वो डाकू जो कन्हैया को लूटने के लिए आया, उसे भी तो दर्शन की अभिलाषा है। प्रभु कह चुके हैं तेरे चलने की देरी है, मेरे मिलने में नहीं देरी है। तू एक कदम जब चलता है मैं लाख कदम जब बढ़ता हूँ। श्याम सुंदर, आज कई दिन हो गए तुझे ढूंढते नहीं मिला, अभी तक नहीं मिला है। पंडित जी कह रहे थे जमुना किनारे गऊ चराता है, वृंदावन यही और जमुना जी भी यही है, पर यहाँ तो कहीं भी मुझे गऊ दिख नहीं रही। कहता था बंशी बजाता है, बंशी की भी ध्वनि नहीं सुनाई पड़ रही है। श्याम सुंदर, ओ श्याम सुंदर, बंशी बज तो रही है, कितनी मधुर बंशी बज रही है, बजाने वाला कैसा होगा। श्याम सुंदर, आपकी बंशी बजी धीरे धीरे, आपकी बंशी बजी धीरे धीरे, राम की मुरली बजी धीरे धीरे, श्याम की मुरली बजी धीरे धीरे, बजी धीरे धीरे थी यमुना के तीरे, बजी बजी धीरे धीरे यमुना के तीरे, गाना की श्याम सुंदर, इतना बेतरती क्यों है तू? मैं तुझे ढूंढ रहा हूँ, तू मुझे दर्शन तो दे। अरे दर्शन तो दे श्याम सुंदर, इतना बेरहम बेतरती क्यों बन रहा है श्याम सुंदर? मेरा संकल्प है जब तक तुझसे नहीं मिल लूंगा तुझे लूट नहीं लूंगा, वापस घर को नहीं जाऊंगा, कुछ खाऊंगा नहीं, जल तक नहीं पीऊंगा, सोऊंगा नहीं, तुझे लूट करके ही सारी क्रिया करूंगा। श्याम सुंदर, एक बार तो मुझे दर्शन दे दे, है कहा तू? श्याम सुंदर, रे लगी यमुना के तट श्याम सुंदर, यो धरणी मुरझाए कान्हा दर्श दिखाई के,
है, कितना सुंदर है। सोने का मुकुट हीराओं से जड़ित, सोने का सिरपेच, सोने की बंसी, सोने का कटला, सोने का हार, सोने के कड़ूरा, सोने के बाजूबंद, सोने की कड़ी, सोने की ही पायल, कितना सारा सोना है इस पर। गोवर्धन माला माल हो जाएगा, फिर भविष्य में कभी तुझे डकैत ढालने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। श्याम सुंदर, परंतु इस देवता ने अपना दर्शन करा के आज मेरा दिल छीन लिया है। इसने अब तो जी करता है इसकी ओर ही देखता रहूं, इसकी ओर निहारता रहूं, जी भर के देखूं इसे। इस देवता आई ना दिल चुराया, तभी इसका अवस्था में ठाकुर कृपा कर।
श्याम सुंदर ने हाथ से पुकार उठा लिया। अब बस की नहीं रहा है श्याम सुंदर, यदि हमारे ऊपर तुझे कुछ दर्द आ रहा है तो मुझसे आके मिल ले श्याम सुंदर। कितनी दूर से मैं तुझसे मिलने आया हूँ, फिर भी तू दूर खड़ा हुआ है मुझसे, क्यों नहीं मेरे समीप आ रहा श्याम सुंदर? आ गया श्याम सुंदर। हाँ भैया। कितना मीठा बोलता है। हाँ भैया, तेरा ही नाम है श्याम सुंदर? हाँ भैया, मेरा ही नाम है श्याम सुंदर। अच्छा श्याम सुंदर, तुझे डर नहीं लगता है? ना है तो? अकेला ही रहता है यहाँ। मैं तो नित्य प्रति आओ हो, ये आभूषण पहन के, इतना सोना, सोने का मुकुट, ये सोने का बाजू बंद हार, कर्धने पायल, बंसी, लकुट, सब सोने की, फिर भी निडर रहो। पर श्याम सुंदर एक बात बताऊं, मुझे तेरी माँ मिली थी, तेरे गांव से ही तो आ रहा हूँ मैं, और तेरी माँ मिली थी, उसने पूछा कहाँ जा रहे हो, मैंने कहा बन की ओर जा रहा हूँ, तो तेरी माँ ने मुझसे कहा मेरा श्याम सुंदर अकेला गऊ चराने को गया है, और बन में चोर लुटेरे डकैत बहुत बहुत घूमते हैं, ऐसा करना श्याम सुंदर से उन आभूषणों को, गहनों को उतरवा के मुझे दे जाना, तो लाओ इन आभूषणों को उतार देना, ये गहने ही कोई लूट लेगा तुमसे। क्यों इनने क्यों ले रहा गहने इनने? अरे तेरी माँ मिली थी, तेरी माँ ने मंगाए हैं। तेने मेरी मैया देखी है? अरे ये लो। बताइयो कैसी है मेरी मैया, कारी है के गोरी है, लंबी है के घुट्टी है, मोटी है के पतरी है? ये तो बात पंडित जी से नहीं पूछी थी। अरे हाँ याद आ गया ना, तेरी माँ खूब मोटी है और काली नहीं गोरी है। मैं सारे सब जान गया। अरे साला कह रहा है ये तो मुझसे, तू वो लूटने के लिए आयो लूटने के लिए, ये कैसे समझ गया, किसने बता दिया? परंतु पंडित जी कह रहे थे उसे माखन खिलाना, जो माखन खिलाता है वो अपनी मनचाही बात उनसे पूरी करा लेता है, तो पहले माखन खिलाता हूँ उसे, हाँ तभी तो ये उतारेगा, नहीं तो ऐसे नहीं उतारेगा। श्याम सुंदर भूख लग रही है? हाँ? तो तेरी माँ ने माखन भी दिया है मुझे, और सद माखन है, मिश्री भी है, खाओगे? यही नहीं माँ मेरी तो बड़ोरी कवैया खा रहा है तो मेरे बंदरों को भी खिला रहा है। श्याम सुंदर, अरे सारे माखन मिश्री को बंदरों को खिला दोगे? अरे श्याम सुंदर तू तो काले भाई, तू कहा ही नहीं है। मेरे लिए भी छोड़ देना कुछ श्याम सुंदर, तीन दिन से भूखा हूं मैं। सारा मिश्री लुटा दिया, मेरे बंदरों को खिला दिया, तूने खाया है? अच्छा था ना? अच्छा अब ऐसा कर, एक एक आभूषण को उतार के यहाँ रखता चल। कहने का तेरे बाप के? अब बाप तक भी पूछने लगा है,
ऐसे काम नहीं बनेगा। सीधी उंगली से घी नहीं निकलता है तो घी निकालने के लिए टेढ़ी उंगली करनी पड़ती है। इसे नाम सुनाना चाहिए, नाम जब सुनेगा डर जाएगा और डर से अपने आभूषणों को अपने आप उतार देगा। मेरा नाम नहीं जानता है तो तू मेरा नाम नहीं जाने। अरे मेरा नाम तू नहीं जानता है, तू मेरा नाम नहीं जाने। हाँ हाँ, क्या है तेरा नाम? तेरा नाम क्या है? मेरा नाम है गोवर्धन। मेरा नाम है गोवर्धन धारी। इसने तो मेरे नाम में भी धारी लगा दी। श्याम सुंदर नहीं बता रहेगा? तू ना मानेगा? अच्छा अच्छा। कारण को कार लोक मान मेरे भक्तों डालो इस दुष्टात्मा के गले में फंदा और घसीट कर ले चलो इसे निरक्त आत्मा भोगनी है। ले चलो से क्या कह रहे हैं प्रभु? ये आपकी वस्तु नहीं नहीं, ये कोई भक्त नहीं है, ये तो अधर्म है, दुराचारी है, पापात्मा है। इसने न जाने कितनी माताओं को विधवा बना दिया, कितने बच्चों को अनाथ कर डाला इसने, और आप इस कर्मों की ये आपकी वस्तु है? नहीं नहीं, ये तो नरक का भागी है, इसे तो हमारी यातनाएं भोगनी है। जी मेरे सम्मुख हुए तो वाके कोटान कोट जनमन के पाप मोह मिलते ही नष्ट है जाएं। धन है प्रभु धन है, आपकी रीछ का भी पता नहीं है, खींच का भी पता नहीं है, बताने किस गोबर रीछ जाए और किस पर आप अपसन्न हो जाए। आप अपने रावण अवतार में ही रावण के ऊपर कुपित हुए थे तो कुपित होकर के तुमने उसे ब्रह्मधाम दे दिया और रीछ पर प्रसन्न हुए उसे सोने की लंका में कुचरका दिया। हरे अदा धंग सरकार है भजरे जीव निशंक, अरे खींचे धीनो परम पद तो रीछे धीनो लंक। धन है प्रभु धन है, आप जिसे अपनाना चाहे फिर भला उसे कौन बिगाड़ सकता है। अब मेरे लिए आदेश, तुम अपने लोक को जाओ। चलो चलो नीना कर कमल उठाए धन्य भयो भगवान मुझ मोह मधंत को क्षमा करना प्रभु। आया था मैं आपको लूटने के लिए परंतु आपका दर्शन करके खुद लुट गया। लेने आया था कांच बर्तन में कंचन मिल गया। अब मेरी इच्छा नहीं है कुछ भी आपको लूटूं या कहीं जाकर के कोई चोरी लूट डकैती डालू। भगवान इच्छा मात्र मेरी आपके चरणों की भक्ति करने की है। मुझ जीव के ऊपर भी आप कृपा करो, मुझे भी अपनी भक्ति प्रदान करो। भैया तो इन गहने इनको ले ले। नहीं भगवान नहीं, मुझे आपके गहने आभूषण नहीं चाहिए, आपसे मैं इतना चाहता हूँ प्रभु ना इच्छा संतान की ना इच्छा धन धाम की, इच्छा यही है कि मैं भक्ति करूं भगवान की। वो जो से देखा है, वो जो से देखा है, जो से देखा है बाते बिहारी तुझे लुट गया लुट गया लुट गया लुट गया गया लुट गया लुट गया लुट गया।
चलो भगवान पुनः भक्ति वत्सल भगवान जो जीव की वहां पकड़ लेंगे प्रभु श्री वृंदावन में कृपा करके रख देते ऐसी बिचारे गोवर्धन पर भी कृपा हुई करमेती पर भी कृपा हुई।